और मैं हूँ गया रेलवे स्टेशन पे। तो आप मुझे देख रहे हो कि मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ पुरी। तो गया से मेरा ट्रेन है लगभग 3 बजे और मैं जा रहा हूँ पुरी। तो फाइनली जो ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वो 3 घंटा आसपास लेट था और अभी 5 बज रहा है और अब जाके ट्रेन आ रहा है। तो मेरा ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, बस ट्रेन आने वाली है। तो मैं यहाँ से बस पुरी जाने वाला हूँ। तो गया टू पुरी का ट्रेवल कैसा रहता है तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। गया से ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था ना, ये दुर्गा पूजा के लेके बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो किसी तरह एडजस्ट होने के बाद मेरा तो सीट कंफर्म ही था, अब मिल गया, बैठ गया हूँ। स्लीपर कोच ज़्यादा लेट हो गया, 6 घंटा लगा, 6.5 घंटा लेट हो गया। अभी पूरी पहुँचने में 12 बजा देगा, लगभग 9:30 है और कटक स्टेशन बस लगने वाला है।
यहाँ से अभी लगभग 4 घंटा 2-1 घंटा अभी भी लग जाएगा पूरी पहुँचने में। और ये है भुवनेश्वर स्टेशन, और स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है भुवनेश्वर का। हम लोग 1 घंटा का ट्रेवल रह गया है पूरी पहुँचने में, लगभग 1 घंटा और लग जाएगा पूरी पहुँचने में। तो जब तक देखता हूँ कैसा रहता है, अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है क्योंकि ट्रेन लगभग 4-4.5 घंटे लेट चल रही है। तो वहाँ वापस रूम पे जाने के बाद ही हम लोग अब कुछ कर पाएंगे। मेरी माँ बैठी हुई ट्रेन पे ही, और देख रहे होंगे पीछे जो बैठी हुई है मेरी माँ है, हम लोग इसी पे हैं। फाइनली हम लोग पूरी स्टेशन पे उतर गए हैं, और ट्रेन लगभग 6 घंटा लेट था। पानी यहाँ मतलब बारिश हो रहा बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। हम लोग देखिए अभी रूम पे जाना तो कैसे जाएंगे, हम लोग को रिसीव करने के लिए राजीव भाई गिर को ट्रेन के और लेके जा रहे हैं यहाँ से रूम पे जाएंगे फाइनली अब यहाँ से। उसके बाद में फिर यहाँ से फिर बीच पे जाना है घूमने के लिए। फाइनली आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरी रेलवे स्टेशन है, और मैं यहाँ उतर गया हूँ और यहीं से जाना है, बगल में ही डेरा है। तो शाम में जाऊँगा यहाँ से पूरी पहुँचने के बाद, अब शाम में इधर से बीच के लिए जाऊँगा क्योंकि इधर ऐसा सीन है कि पानी पड़ रहा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से।